हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ जो साइंस का असाइनमेंट का आंसर है उसके बारे में, क्योंकि जनवरी मंथ का आपका असाइनमेंट आ गया है और हम आज के वीडियो में उसी का आंसर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाली जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें। और एक इन्फॉर्मेशन और देना है स्टूडेंट्स आप सभी को, कि हम 2021 जो 2021 का जो एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द। एक दो वीडियो डाल दी गई है, और बहुत ही जैसे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाते हैं वैसे आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं जैसे, तो उसी के जैसा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं ये आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर कैसे लिखना है आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ एनी फोर एप्लीकेशन वर्किंग ऑन द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, ऐसे वर्किंग जो कि हीट प्रोड्यूस करते हों। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिक सेंटेंस? इलेक्ट्रिक आयरन हीट प्रोड्यूस करता है, हीटर वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, गीजर है, ओवन है, और इलेक्ट्रिक बल्ब भी है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक आयरन हीटर गीजर ओवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर लाइट। ओके, सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन था, राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यहाँ पास आपके पास थ्री डिफरेंट है, आप इसको यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओम का सिंबल भी आप लिख सकते हैं, और रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम इनटू मीटर होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इधर, और बाकी इसको दो पॉइंट और हैं उसको लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हैं यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो और काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इसलिए आप यहाँ से नोट कर लें। ओके, इसका नीचे डायग्राम भी है, तो उसे भी आपको बनाना है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल आप बता सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक मोटर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, फोर हेडिंग दिए हुए हैं, लेवल डायग्राम बनाना है आपको, प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग और एनी टू यूजेज आपको लिखना है। तो पहले आप यहाँ से डायग्राम बना लें, डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनाएंगे आप, फिर इसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल आप लिखिए, फिर इसका वर्किंग मेथड। और स्टूडेंट्स, अगर जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल कर देंगे। और लास्ट में टू यूजेस लिखना है, तो यूजेस हो जाएगा वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास, ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ अ टाइपिकल फ्लावर एंड डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल जेंटल ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ से आपको इसका लेबल डायग्राम बनाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो अच्छे से इसका बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, और इसके पूरे नेम आपको यहाँ पे नेमिंग करनी है। ठीक है, नेम लिख देने हैं पूरे, राइट, ओके, इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, अगर आप चाहें तो इसका एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, और इसमें कोई थ्री आपको आंसर ही लिखने हैं। ठीक है, कि जो एडल्ट जो बॉय होते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट बताएंगे कि बॉयज़ डेवलप द हैवियर मैस्कुलर बॉडी, वाइड शोल्डर एंड एरो हिप, एंड सेकेंड इंगलमेंट ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ मच डीपर वॉइस। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन हम ये थर्ड पॉइंट भी लिख देंगे, ये आपको थ्री पॉइंट ही लिखने हैं, राइट, ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आप
से अगले वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।